राजस्थान के सियासी गलियारों में इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें लोगों की भीड़ सचिन पायलट मुर्दाबाद के नारे लगाती हुई नजर आ रही है। करीब 4 मिनट के इस वीडियो में लोग सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जोर जोर से अपने विधायक के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इस दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी जनता को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर विरोध प्रदर्शन जारी रहता है। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल ये वीडियो टोक का है और टोक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है, क्योंकि सचिन पायलट टोक विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक हैं। लेकिन जिस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भरोसा कर दूसरी बार ऐतिहासिक जीत दिलाई, अब वही जनता क्यों सचिन पायलट के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। दरअसल टोक जिला मुख्यालय पर हाल ही में बाजारी माफियों द्वारा एक पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मारने के बाद कांस्टेबल की मौत हो गई और इसी मामले में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। आक्रोशित परिवार जन और समाज बंधु भारी तादाद में जिला कलेक्ट्रेट पर न्याय मांगने पहुंचे, लेकिन पायलट की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर कर जमकर नारेबाजी की। अब नारेबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों की भीड़ अपने विधायक सचिन पायलट के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाती हुई नजर आ रही है। वही मामले को लेकर सचिन पायलट ने भी अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, ट्रैक्टर द्वारा मारे जाने से टोंक जिले के हेड कांस्टेबल खुशीराम बेरवा जी की मृत्यु होने की खबर हृदय विदारक है। प्रदेश में बाजारी माफिया जिस प्रकार बढ़ रहा है, उस पर लगाम लगाने की सख्त आवश्यकता है। राज्य सरकार ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे। खुशीराम जी ने अंतिम समय तक अपना कर्तव्य निर्वहन किया, मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारजन के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। वही सोशल मीडिया पर हैशटैग सचिन पायलट के साथ की जा रही पोस्ट पर गौर करें तो उसमें लोग कह रहे हैं कि बैरवा की हत्या के बावजूद सचिन पायलट ने बाजारी माफियाओं के खिलाफ कुछ नहीं बोला। बता दें टोंक में बाजारी माफियाओं ने ये दूसरी हत्या की है। पिछली बार शंकर मीणा की हत्या हुई थी, तब न्याय दिलाने हनुमान बेनीवाल पूछे थे। अब लोगों को उम्मीद है कि इस बार सचिन पायलट इस कांस्टेबल को न्याय दिलाएंगे और बाजारी माफियाओं के खिलाफ अपना मुंह खोलेंगे। देखते रहिए तमाम खबरों के लिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।